इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप दोनों उल्का पिंडों का आपस में टकराओ। अगर जिंदगी में लड़की पटाना है मेरा भाई तो बाल तो खड़े करना पड़ेगा ना मेरी जान। कर लिया और नए मॉडल का हेयर कट भी करा लिया, अब तो लड़की पट जाएगी ना मेरी जान। तेरी 5-6 गर्लफ्रेंड तो तेरी पहली ही थी, सुना है आजकल दोस्तों की भी पटाई है। इसको देखो इधर सलाम, पिछले 5 सालों से सिंगल रडवा की जिंदगी जी रहा है और ये कह रही है 5-6 तो तेरी पहले से थी और दोस्तों की भी पटाई है। चल झूठा। अरे हम मानते हैं हमारे अंदर 5-6 लड़कियां पटाने की काबिलियत है, लेकिन हमारे दोस्त इतनी गंदी शक्ल लिए साथ घूमते हैं कि लड़की एक बार हमको पलट के देखी नहीं कि 1000 बार ये उसी को देख लेते हैं। हमको देखी नहीं तब तक ये लोग 1000 बार देख लेते। और मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट ना कर, क्योंकि तुझ जैसे 3600 ने मेरे पीछे लाइनें लगाई हैं। तो क्या करना है, उसमें हम भी एक बढ़ जाएंगे, 37 हो जाएंगे, अच्छी लाइन लग जाएगी। हाँ तो ये तुम्हारा समस्या है। बताओ ये एक मर्द ढूंढने के लिए दिल्ली हरियाणा झारखंड घूम के आ गई, फिर भी इसको एक मर्द पसंद नहीं आया। कभी बनाया तुम है। और हमको हमारे घर वाले अपने ही जिले में अपने पसंद की एक लड़की ढूंढने की परमिशन नहीं दे रहे। अरे कुछ सीखो हमारे घर वाले, इससे कुछ सीखो, परमिशन दो हमको भी, गारंटी कर रहे एकदम टिकटॉक वाली बहुरिया लाएंगे तुम्हारे लिए। लड़का है ये, दिन में कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता, केवल रात में निकलता है, क्योंकि एक दिन एक घर से बाहर दिन में निकला था, तभी पड़ोसी बोल रहा अरे चूतिया लड़का घर से बाहर निकल गया क्या। और आप इसके जो बाल देख रहे हो ना, इसमें 4-4 चिड़िया और 4 कबूतर अंडे दे चुके हैं। बाप अभी तक नहीं जानते कि अमूल गोल्ड का अंडरवियर कैसे होता है, भगाई पहन के पूरा जिंदगी निकाल दिए। और लड़का बेंचो ब्रांड बन रहा, अरे बेटा जाके पहले पापा को अमूल गोल्ड के अंडरवियर दिलवाओ जल्दी, कब तक भगाई पहनेंगे, सपना पूरा करो, उनका बाप का सपना पूरा कर शायद पुण्य के काम होवेला। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाओ, बैगन के साथ साथ टमाटर भी लेते जाना। पेंचो मतलब कोई शर्म आया ही नहीं है, एकदम सर पे चढ़ के तांडव कर रही हैं। इतना ज्यादा तो उस बंदे के ऊपर नहीं चढ़ी होंगी जिस बंदे से इनकी हाल ही में शादी हुई है। रख ले पूरा एरिया हिला के रखा है और ये पूरा इंस्टाग्राम, दोनों को टेंडर मिला ना कि हिलाता रहना है, रुकना नहीं है। मतलब जिनके सैया खुद हिल गए हैं, एक सूखा हुआ 100 ग्राम का पेड़ नहीं हिला सके, वो भी बोल रही है हमारे सैया जी तो पूरा एरिया हिला के रख दिया है। तुम्हारे सैया जी का तो नहीं पता, लेकिन तुम चाहो तो जरूर इस लड़के को हिला सकती हो। केवल इंस्टाग्राम पे जाओ, AAJ.KLAUNDA सर्च करो, आज का लौंडा सर्च करो और DM करो डायरेक्ट, मिलते हैं वहीं पे, दोनों लोग मिलकर हिलाएंगे, आ जाओ। दिक्कत है आधी आधी रतिया में दर्द उठ रहा है, बेचारी को नंगे पैर घर से भाग के मोहल्ले में आके हिलाना पड़ रहा है। मैडम ऐसे हिलाने रूपी योगा करने से दर्द चला जाता है क्या? नहीं नहीं, हमको लगा कि चला जाता होगा, क्योंकि हम आपको जब भी देखे आप जब भी दर्द में रहती हो ऐसे है हिलाती हो और जोर जोर से भी हिलाती हो। नहीं ये नहीं बताना था कि सैया कैसे मारता, वो सबको मालूम है कि सैया सट्टा सट ही मारता है। अब देखो तुम्हारे सामने कैसे वो मोटरसाइकिल पे आके बैठा है कोई, और ये देखो कोई कचरा वाली तुम्हारे सामने से निकल रही है, ये सब चीजें मोहल्ले में नहीं बताई जाती, मालूम है इसका कितना गहरा इफेक्ट पड़ता है खासकर कुत्तों पर। तुम्हारे इतने डिजाइनर और इतने साइज के कपड़े मिलते कहाँ से, किस दुकान पे मिलते हैं, थोड़ा हमको भी बताना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद तो यही है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मालूम है क्या करने का है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और एक कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता है अगले वीडियो में।